हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है, हायर नॉन कोर डेटा। और हायर नॉन कोर डेटा में आपको एक फाइलम मिलेगा जिसका नाम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आप स्टडी करते हैं एक एनिमल जो कि है स्टार फिश, ठीक है। वो जो कि रेडियल, उसकी जो स्टार फिश की बॉडी होती है वो थोड़ा रेडियल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, पेंटागोनल होता है और रेडियल सिमेट्रिकल होता है। उसी के अंतर्गत देखिए, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो पाए जाने वाले एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है जिसके द्वारा इसकी बॉडी के अंतर्गत जितने भी फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत एनिमल पाए जाते हैं उनके अंदर एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, जो कि उनकी पूरी कंप्लीट बॉडी की जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है, जैसे कि इसके अंदर पाए जाने वाले लोकोमोशन, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन मतलब कि श्वसन, ठीक है, बॉडी अटैचमेंट, किसी बॉडी अटैचमेंट करना या फूड को पकड़ना, ठीक है, और उसके बाद रिप्रोडक्शन जैसा जो प्रोसेस होता है, ये सब फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम्स के द्वारा होती है। ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपके जियोलॉजी का जो बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के तीन सेमेस्टर है, ठीक है, लोअर नॉन कोर डेटा, हायर नॉन कोर डेटा, इन दोनों से रिलेटेड अभी मैं जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पेपर के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। हायर नॉन कोर डेटा में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और कई यूनिवर्सिटी, कई कॉलेज में बार बार रिपीट होता रहता है। और इसमें क्या है, सिंपल तरीके से सबसे पहले आपको इसको समझना होता है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम आखिर क्या है, ठीक है, आपके सिलेबस में जो वो है स्टारफिश, ठीक है। अब हालांकि इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत और भी कई कई तरह के एनिमल्स हैं जिसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, बट हमारे सिलेबस में जो है वो स्टारफिश है, स्टारफिश के बारे में हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे। तो देखो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या स्ट्रक्चर्स आती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिपोराइट, और ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें आप देखिए अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर आती है, जैसे कि मैट्रिपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, ट्रीटमेंट बॉडीज, पोलियन वेसिकल्स एंड रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल और फाइनली ट्यूब फिट। देखो, अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम या फिर एम्बुलेक्रल सिस्टम्स के अंदर पाई जाती हैं। अभी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, वीडियो को एंड तक देखो और ध्यान से जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर फोकस करो। देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये एक हाइड्रोलिटिक प्रेशर मशीन की तरह कार्य करता है, हाइड्रोलिटिक प्रेशर मशीन की तरह, जिसकी हेल्प से लोकोमोशन, अगर इसे चलना फिरना हो तो इस ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है ये भी इसमें इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब चलने फिरने में स्टारफिश को हेल्प करता है। एक्सक्रेशन मतलब कि इसके उत्सर्जन, मतलब कि अपने जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, उसमें भी हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम हेल्प करता है। उसके बाद रेस्पिरेशन, अगर श्वसन लेने की क्रिया है, ये भी कौन हेल्प करता है इसमें, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम। आप बॉडी से कहीं पर किसी इसे अगर किसी कोई बेस हो या कोई ऐसी जगह जहां पर ये अपनी बॉडी को अटैच करना चाहता हो, चिपकाना चाहता हो, वहां पर भी हेल्प करता है बॉडी, यहां पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम। उसके बाद रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है ये भी यहां पर कंप्लीट होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक करेक्टर है। और जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, इसी तरह की स्ट्रक्चर्स जो होती है ये होती है, ये इसी को हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसी को हमको समझना है कि किस तरीके से इसमें जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसकी बॉडी जो है लोकोमोशन करती है, रिप्रोडक्शन करती है, ये सब पॉइंट्स हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया, वाटर वेस्कुलर सिस्टम को समझना है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम को किस तरीके से समझ सकते हैं और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स आ रही है, मैट्रिपोराइट, स्टोन कैनाल। देखो, नॉर्मल तरीके से अगर मैं इसकी फिजियोलॉजी के बारे में नॉर्मल तरीके से अगर मैं बताऊं, देखो पानी एंटर करता है मैट्रिपोराइट से, ठीक है, बाहर का अगर ये पानी के अंदर है, ठीक है, ये सी समुद्र में पाया जाता है, तो अगर ये देखिए पानी जो है मैट्रिपोराइट के ये जो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया मैट्रिपोराइट, ठीक है, इसके द्वारा पानी इसकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे एंटर करता है। देखो, पानी जो है मैट्रिपोराइट से स्टोन कैनाल में पहुंचेगा, फिर रिंग कैनाल में पहुंचेगा और फिर सभी रेडियल कैनाल में डिवाइड हो जाएगा। रेडियल कैनाल से वो डायरेक्टली लेटरल कैनाल से होते हुए वो डायरेक्टली एम्ब्यूला में एंटर कर देता है। देखो, मैंने कितनी आसानी से आपको नॉर्मल तरीके से समझा दिया। देखो, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि इसके स्ट्रक्चर्स किस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से अगर आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से काम करता है ये जो पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये किस तरीके से काम करता है, देखो ये है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ इस तरीके से पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स होती है, यहां बीच में होता है मैट्रिपोराइट, ठीक है। अब ये पानी को अवशोषित कर लेता है, अब जब पानी को अवशोषित कर लेगा तो इससे जुड़ी होती है स्टोन कैनाल, ठीक है। अभी मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, अभी मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और एग्जाम पेपर में कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से समझना भी बहुत जरूरी है, रट्टाफिकेशन गलत।
मैट्रिपोराइट, ये देखिए जैसे ये हमारे पास एक स्टारफिश है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारी स्टारफिश है और ये जो फिंगर्स गई हुई है सपोज दैट कि ये पूरी पूरी पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स है जो कि रेडियल सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये बीच में मैट्रिपोराइट है, यहां से पानी एंटर किया और एंटर करने के बाद वो स्टोन कैनाल से होते हुए डायरेक्टली रिंग कैनाल में पहुंच गया। बीच में एक रिंग होती है, वो भी मैं आपको डायग्राम में जैसे यहां पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वो रिंग कैनाल में एंटर कर जाता है। अब रिंग कैनाल जो है वो पांच भागों में बटी रहती है, जैसे ये हमारी उंगलियां है ये कुछ इस तरीके से बटी रहती है। अब इन सभी उंगलियों में मतलब एक तरह से रेडियल कैनाल में पानी एंटर कर जाता है। इन उंगलियों से अटैच रहता है ट्यूब फिट, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ एम्प्यूला में डिवाइड होता है, मतलब उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है और उस ट्यूब फिट से पानी बाहर निकल जाता है। बस इतना सा कार्य होता है, मतलब पानी मैट्रिपोराइट से एंटर करता है और उसके बाद प्रेशर बनाते हुए जो रेडियल कैनाल से फिर उसमें लेटरल कैनाल से होते हुए फिर ट्यूब फिट या फिर एम्ब्यूला से बाहर उस ट्यूब फिट से पानी बाहर निकल जाता है। इसी के बस इतने से प्रोसेस में क्या हो जाता है, लोकोमोशन, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, बॉडी अटैचमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सब प्रोसेस इसी के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। और भी जैसे साइकोन में, साइकोन का कैनाल सिस्टम भी सेम कुछ इसी तरीके का था जो कि लोअर नॉन कोर्डेटा में था, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आपका लोअर नॉन कोर्डेटा का जितना भी टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो लगभग 90% में सिलेबस कवर करा चुका हूँ। आप चैनल के अंदर जाए प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बॉटनी का आधा सिलेबस मैं कवर करा चुका हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर का मैं आपको बताता हूँ 90% सिलेबस मैं कवर कर चुका हूँ। अब बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर का रह चुका है, धीरे धीरे वो भी अपलोड करते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेटरी सिस्टम को अच्छी तरह से समझेंगे डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आइए समझते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम के बारे में, जो कि हम इस समय अध्ययन कर रहे हैं स्टारफिश में। दोस्तों ये स्पेसिफिक करैक्टर होता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा का। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति एक मेन करैक्टर होता है, ठीक है, जो कि पूरे बॉडी कैविटी में रूपांतरित होता है, ट्रांसफॉर्मेटेड होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको डेफिनेटली हायर नॉन कोर्डेटा में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा एग्जामिनेशन पेपर में कि व्हाट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम या फिर एम्बुलेक्रल सिस्टम, एमएससी बीएससी हर जगह ये पूछा जाता है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से सबसे पहले हम इसके फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली अगर हम इसके एक एक पार्ट्स को स्टार्टिंग से जैसे मैट्रिपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, ट्रीटमेंट बॉडीज, रेडियल कैनाल, इस तरह से स्ट्रक्चर्स को अध्ययन करेंगे तो हमको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। हमको डायरेक्टली इस डायग्राम को समझना होगा कि आखिर ये काम किस तरीके से करता है और फिर उसके बाद हम इसकी एक एक स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, ठीक है। आपको मैं एक्सप्लेनेशन पॉइंट बताऊंगा जो कि आप जिसके बेस पर आप एग्जामिनेशन पेपर में एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपके माइंड में चल रहा होगा कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि सर हमें जो है इंग्लिश में नहीं, हमें थोड़ा मिक्सिंग नोट्स प्रोवाइड कीजिए, मतलब कि जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो, कुछ कहेंगे हिंदी में। तो देखो आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी तरीके से अपने आप नोट्स बनाएं। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन की पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब जो मैंने लिखा है ये सब इंग्लिश में, ये तो इंग्लिश में रहेगा ही, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि आप एक बीएससी के स्टूडेंट है, ज्यादातर जो कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर इंग्लिश में ही रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जहाँ पर जिस कॉलेजेस में जिसको वहाँ पर मिक्सिंग की जरूरत है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स, दोनों के दोनों मिक्स लैंग्वेज में स्टडी करते हैं, उनको मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ इसको समझ लीजिए, ठीक है। इसको समझने के बाद आप अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, आपको पता है कि ये जो है एक बीच में रिंग कैनाल होती है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये जो एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसमें वाटर कहां से एंटर करता है और एग्जिट कहां से करता है। अगर हमने इतना समझ लिया तो हम हर एक स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से समझा सकते हैं, एग्जामिनेशन पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है मैट्रिपोराइट से। और देखो और भी मैं आपको क्वेश्चंस बताना चाहूंगा आपके एग्जामिनेशन पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ना मिले, बाय चांस 99% तो आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर ये ना आए तो शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा मैट्रिपोराइट क्या होता है, स्टोन कैनाल क्या होता है, एम्ब्यूला क्या होता है, ट्यूब फिट क्या होता है, रिंग कैनाल क्या होती है, रेडियल कैनाल क्या होती है। इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। और अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया तो आप डेफिनेटली चाहे कुछ भी एक भी टॉपिक यहां से पूछा जाए आप डेफिनेटली उसका जवाब दे दोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, इस डायग्राम को बड़े होते ध्यान से देखो इसके स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। ये स्टार फिश के अंदर पाया जाता है जो कि रेडियल सिमेट्रिकल है। अच्छा, रेडियल सिमेट्रिकल या
बाइलेटरी सिमेट्रिकल आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा द्विपार्श्व सममित, इसका मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है एक्चुअली, अगर आप ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको बीच में से काटो, तो काटने के बाद अगर ये दो बराबर भागों में कट जाए, मतलब कि जो पार्ट्स इधर है वही पार्ट्स उधर भी है, बिल्कुल समान भागों में कट जाए, तो हम उसको बोलते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब कि द्विपार्श्व सममित, दो पार्श्वों में समान भागों में कट रहा है। अच्छा, रेडियल सिमेट्रिकल क्या मतलब है? आर्य सम्मिति का क्या मतलब होता है कि देखो आर्य सम्मिति में आप इसको कहीं से भी काट लो, कहीं से भी आप इसको काटो, आपको हर जगह से रेडियल सिमेट्रिकल दिखाई देगा, हर जगह से बराबर पार्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पांच भागों में बिल्कुल समान भागों में कटेगा। ठीक है, ये पांचों पांच, इसलिए इसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है, आपको ये भी कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मेट्रीपोराइट में, ये जो मेट्रीपोराइट है सबसे पहले पानी एंटर यहीं से करता है, वाटर एंटर करता है इस मेट्रीपोराइट में। अब देखो मेट्रीपोराइट से क्या अटैच है, ये स्टोन कैनाल, ये देखो इसको तो हम बोलते हैं मेट्रीपोराइट, ये जो ऊपर की तरफ गोल एक रिंग के जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, और ये जो कैनाल जो इसके साथ जुड़ी है रेड कलर में, इसको हम बोलते हैं स्टोन कैनाल। तो पानी अगर मेट्रीपोराइट में एंटर करेगा तो वो स्टोन कैनाल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, ये एस शेप की होती है, एक तरह से मुड़ी हुई ये जो स्टोन कैनाल है, ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है एस शेप की। ठीक है, जो कि डायरेक्टली किससे अटैच है, रिंग कैनाल से। तो ये जो बीच में कैनाल आपको दिखाई दे रही है जिसके साथ ये रेडियल कैनाल जुड़ी हुई है, ये सब रेडियल कैनाल है पांच, ये जो बीच में लंबी लंबी कैनाल्स गई हैं इसको हम बोलते हैं रेडियल कैनाल। अब ये जो रेडियल कैनाल है ये जुड़ी है इस बीच में रिंग कैनाल से, तो पानी देखो कहां से एंटर किया, मेट्रीपोराइट से, क्योंकि मेट्रीपोराइट की जब हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें 200 से 250 पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छिद्र प्रेजेंट होते हैं जहां से पानी एंटर करता है, और उस पोर्स के जस्ट साइड में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब वो सीलिया जो है वाटर कंट्रोल करते हैं, उसको नियमन करते हैं, एक्स्ट्रा कोई वाटर के अलावा और वही कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस वेस्ट मटेरियल अगर एंटर करता है तो उसको रोकते हैं। तो बहुत सी ऐसी प्रोसेस है जो कि हमको समझना होता है। तो फाइनली क्या होगा, मेट्रीपोराइट से पानी एंटर करता है स्टोन कैनाल में, और ये जो स्टोन कैनाल है ये अटैच है रिंग कैनाल से, फिर उसके बाद पानी इस रिंग कैनाल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको जब हम इनकी स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, मेट्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, तब हम इसके कार्य को भी बताऊंगा कि कौन यहाँ पर प्रेशर जनरेट करता है, कौन पानी को स्टोर करके रखता है। अगर यह सपोज दैट कि अगर ये पानी के अंदर ना हुआ, टेरेस्ट्रियल में हुआ, तब वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पानी कहाँ से आएगा, पानी की स्टोरेज कहाँ पर होती है, ये सब बातें मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता रहूंगा। अभी आपको समझना है कि भाई पानी एंटर किया मेट्रीपोराइट से, उसके बाद स्टोन कैनाल से होता हुआ ये रिंग कैनाल में पहुंचा, और रिंग कैनाल से अटैचड है ये रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल में डायरेक्टली जो है पानी एंटर कर जाता है, जो कि सभी भागों में पानी जो है यहाँ पर भी इस रेडियल कैनाल, इस रेडियल कैनाल, इस रेडियल कैनाल, इस रेडियल कैनाल, इस रेडियल कैनाल में एंटर कर जाता है। अब देखो जैसे ही पानी इस रेडियल कैनाल में एंटर कर जाता है, इस रेडियल कैनाल से ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसको हम बोलते हैं ट्यूब फिट। क्या बोलते हैं? ट्यूब फिट। अब ये जो ट्यूब फिट आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्यूब फिट को रेडियल कैनाल से जोड़ने वाली एक छोटी सी नलिका होती है, एक छोटी सी कैनाल होती है, जो कि आपको शायद यहां पर दिखाई दे रही है, ये जो नलिका है या फिर ये जो नलिका है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं लैटरल कैनाल। So, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज लैटरल कैनाल, जो कि अटैच करता है ट्यूब फिट को रेडियल कैनाल से जोड़ने वाली जो नलिका होती है, उसको हम बोलते हैं लैटरल कैनाल। सिर्फ समझने का है, मतलब कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं यहाँ पर जो आपको उलझा सके, सब कुछ नॉर्मल तरीके से मैं आप समझा रहा हूँ। तो फाइनली क्या होगा, वहां पर मेट्रीपोराइट एंटर करता है, मेट्रीपोराइट में पानी एंटर करता है, फिर उसके बाद स्टोन कैनाल में पहुंचता है, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से लैटरल कैनाल में, लैटरल कैनाल से यहाँ पर ट्यूब फिट में एंटर करता है। ट्यूब फिट को अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो ट्यूब फिट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स है, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है। इसका ऊपर वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, जो फूला हुआ स्वेल्स अप पार्ट है इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। नंबर सेकंड, नीचे जो बीच वाला पार्ट है जो कैनाल की तरह, उसको हम बोलते हैं पोडियम, और नीचे जो एक तरह से इसको हम बोलते हैं छिद्र, एक पोर्स की लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सकर। ठीक है, तो ट्यूब फिट थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो अब फाइनली आपने क्या देखा कि मेट्रीपोराइट से पानी एंटर करता है, वाटर एंटर करके ट्यूब फिट से बाहर निकलता है। ठीक है,
बस इतनी ही प्रोसेस आपको, यही है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसी में एक प्रेशर जनरेट होता है जिसके कारण पानी, जिसके द्वारा लोकोमोशन होता है, इसमें चलने फिरने का कार्य इसी के थ्रू होता है, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, बॉडी अटैचमेंट, ये सब कार्य जो है इसी की वजह से होता है। सो वी कैन से दैट यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ए हाइड्रोलिक सिस्टम यूज्ड बाय द इकाइनोडर्मेट्स। ठीक है, इकाइनोडर्म्स में हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह कार्य करता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सच एज सी स्टार, जो समुद्र में पाए जाने वाली स्टार फिश होती है। ठीक है, फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए फूड एंड वेस्ट ट्रांसपोर्ट, हमने वेस्ट और फूड ट्रांसपोर्ट्स के लिए यूज करती हैं, एंड रेस्पिरेशन के लिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम का यूज करते हैं। द सिस्टम्स कंपोज्ड ऑफ द कैनाल कंटेनिंग ए न्यूमेरस ट्यूब फीड, जो बहुत सारे इसमें सिस्टम में ट्यूब फीड प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो हम यहां पर डिफाइन करेंगे एक एक स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेट्रोपोराइट। ठीक है, तो मेट्रोपोराइट की अगर हम बात करें तो ये एक छलनी के जैसा होता है। ठीक है, एक छलनी के जैसा, जिसमें आटा वगैरह को हम जो है उसमें छानते हैं। ठीक है, उसी की तरह एक छलनी के जैसा होता है। द मेट्रोपोराइट इज ए राउंडेड, एक गोलाकार कैल्सिकेरस, मतलब स्केलेटल, ठीक है, कैल्सियम कार्बोनेट की बनी हुई एक स्केलेटल प्लेट होती है, और अक्रिंग ऑन द अबोरल सरफेस, जो कि अबोरल सरफेस पर ऊपर की तरफ पाई जाती है, ऑफ द सेंटर डिस्क इन द इनर रेडियल पोर्शन। सो और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि इट्स सरफेस बियर्स ए नंबर ऑफ रेडिएटिंग नैरोज स्ट्रेट और मेनी ग्रुप्स और फोरोज। ठीक है, और इच फोरोज कंटेन ए मेनी माइनेट पोर्स एट इट्स बॉटम, इसके जो है इसके हर एक फोरोज में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, और नंबर ऑफ पोर प्रेजेंट इन मेट्रोपोराइट 200 से 250 तक के एक मेट्रोपोराइट में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स का मतलब छिद्र, छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, और विच इज सराउंडेड बाय सीलिया, मैंने आपको बताया जो पोर्स होते हैं वो सीलिया से सराउंडेड होते हैं, जो एक तरह से प्रेशर का भी कार्य करते हैं और वाटर की करंट को बनाए रखते हैं। ठीक है, और वाटर के फ्लो को वहां पर सेट कर देते हैं ताकि वो सही से एंटर कर दे, और सीलिया के बहुत से कार्य हैं, ये एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को अंदर एंटर नहीं करने देता मेट्रोपोराइट के। तो ये सब स्ट्रक्चर्स है मेट्रोपोराइट की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेट्रोपोराइट की अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये दोनों डायग्राम बना दे, डेफिनेटली आपको दो नंबर फिक्स मिले जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन दो नंबर में आता है, और ये दोनों के दोनों अगर आप डायग्राम बना दे तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जामिनर को नंबर देने में। देखो ये होता है रिज एंड ग्रूव्स, इस तरीके से चलने के आकार का एक राउंडेड शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर का जो सर्फेस है, ये जो पूरा का पूरा सर्फेस है, ये ऊपर का सर्फेस है। ठीक है, ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन एक तरह से काट कर देकर देखा गया है, इसका ऊपर वाला सरफेस है जिसको हम बोलते हैं मेट्रोपोराइट। यहां पर आप देख सकते हैं ये सीलिया होता है और ये पोर कैनाल प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, यहां पर स्टोन कैनाल प्रेजेंट होती है, रिब्स होती है। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्स में ऊपर वाला पार्ट जो है मेट्रोपोराइट का होता है। ठीक है, तो ये था मेट्रोपोराइट। अब बात करते हैं स्टोन कैनाल के बारे में। सबसे पहले आप इसको नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट करें। गाइज अब हम डिफाइन करते हैं स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल एंड ट्रीटमेंट बॉडीज को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करेंगे, इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं स्टोन कैनाल के बारे में। तो स्टोन कैनाल, मैंने इसको बताया था मेट्रोपोराइट और रिंग कैनाल से जोड़ने वाली जो एस शेप स्ट्रक्चर्स आती है, जो कैनाल है उसको हम बोलते हैं स्टोन कैनाल, जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है। तो एस शेप कैनाल होती है, इसकी अगर हम शेप की बात करें तो ये एस शेप की होती है और मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसकी जो दीवारें होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, वाटर करंट को कंट्रोल करना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके बात करूं इसकी जो इसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखें तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो कैनाल है वो इस तरीके से है। ठीक है, अब हम स्टोन कैनाल की इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर डायरेक्टली वाटर, देखो तेज वाटर की जब धारा मेट्रोपोराइट से एंटर करती है तो उसमें क्या होगा कि वो तेजी से एक करंट की तरह एंटर करती है, तो उसको ब्रेक करने वाले, उसको कंट्रोल करने वाला जो इसके अंदर एक रिज पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रिज होते हैं जो कि एक तरह से प्रेशर को क्रिएट करते हैं और साथ में वाटर के करंट को कंट्रोल करते हैं, जल की धारा का नियमन करते हैं। समझ में आया, ये जो स्टोन कैनाल होता है इसका मेन कार्य यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स है। अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट कर देखें तो इसमें हमें दिखाई देंगे कुछ रिज जो कि एक तरह से वाटर को कंट्रोल करते हैं। जैसे एकदम तेजी से वाटर आ रहा है तो ये सबसे पहले इससे टकराएगा, इससे टकराने के बाद थोड़ा उसकी जो गति है, जो उसका मोमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाएगी, और फिर जैसे आगे आगे टकराता रहेगा इससे पानी बहुत ही ज्यादा कंट्रोल हो जाता है, नियमन हो जाता है और धीरे धीरे पानी एंटर करता है। दूसरी नंबर पर यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट भी होता है।
ठीक है, इसकी वजह से प्रेशर भी इन रिच की वजह से प्रेशर जनरेट भी होता है। तो इसके दो कार्य हैं, नंबर फर्स्ट मेन फंक्शन इसका क्या है, वाटर करंट को कंट्रोल करना, नंबर सेकंड प्रेशर को जनरेट करना। तो ये स्टोन कैनाल का कार्य होता है। और भी आप लिख सकते हैं स्टोन कैनाल, जो कि ऐड करती है हिंदी वाले स्टूडेंट जो हिंदी या मिक्सिंग एक्सप्लेन करते हैं उनको मैं आपको बताना चाहूंगा। आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो मेट्रोपोलाइट और रिंग कैनाल को जोड़ने वाली एक बीच में जो कैनाल होती है जो एक एस शेप की होती है, इसको हम बोलते हैं स्टोन कैनाल। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे, जब आप उस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। उसके बाद हम रिंग कैनाल की अगर हम बात करते हैं, देखो ये बीच में प्रेजेंट होती है रिंग कैनाल। रिंग कैनाल एक पेंटागोनल कैनाल होती है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स होती है जो कि सर्कुलर होती है। ठीक है, और इसमें और भी आप बता सकते हैं कि ये सभी की सभी रेडियल कैनाल को जोड़े रखती है एस शेप को। अब यहाँ पर अटैचमेंट के बेस पर सबसे पहले आप इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अटैचमेंट के बेस पर कि इससे जो है एस कैनाल जुड़ी होती है। ठीक है, मतलब इससे स्टोन कैनाल भी जुड़ी होती है और पांच रेडियल कैनाल भी जुड़ी होती है, इसी से ट्यूबफिट जुड़ा होता है, इसी से जो है रिंग कैनाल के साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि पोलियन वेसिकल्स भी इसी से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें बहुत सी स्ट्रक्चर्स इस रिंग कैनाल के बारे में आप लिख सकते हैं। और रिंग कैनाल जो है इन सभी स्ट्रक्चर्स को इन पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स लिए कहते हैं क्योंकि पांच की पांच जो है रेडियल कैनाल इससे जुड़ी रहती हैं। उसके बाद टिडमैन बॉडीज, और टिडमैन बॉडीज कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे उभार, इसको हम बोलते हैं टिडमैन बॉडीज। ये जो सर्कुलर जो गाढ़े येलो ग्रीन सॉरी ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब टिडमैन बॉडीज होते हैं। ट्रीटमेंट बॉडीज के बारे में इसका जो फंक्शन है, इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ अलग अलग अपना विचार रखा है। ठीक है, ट्रीटमेंट बॉडीज क्या है कि विच इज मेड अप, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पेंटागोनल की स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताना भूल गए थे, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर्स को भी लिख लें रिंग कैनाल के बारे में कि जो पेंटागोनल कैनाल होती है विच इज मेड अप ऑफ रिंग अराउंड विच फेरिंग्स। ठीक है, ये जो है एक तरीके से रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर्स बनाती है जिसके जो कि चारों तरफ फेरिंग्स के जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, फेरिंग्स के चारों तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा ट्रीटमेंट बॉडीज के बारे में, तो रिंग कैनाल के मिडल लेयर में, ठीक है, आप देखेंगे ये जो रिंग कैनाल है इसी से बीच वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है मिडल लेयर में ट्रीटमेंट बॉडीज, और इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है, नॉर्मली हम 9 बोल सकते हैं, इनकी जो संख्या है वो 9 हो सकती है, बट इसमें अलग 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 वास्कुलर सिस्टम में अलग अलग हो सकता है, मे बी 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नॉर्मली 9 मानकर चलते हैं। ये येलो कलर का होता है, ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया जरूर है ब्लू कलर का, बट ये येलो कलर का होता है। ठीक है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट बॉडीज, और ट्रीटमेंट बॉडीज के फंक्शन के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ अलग अलग विचार रखे हैं। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये वाटर को फिल्टर करने का कार्य करता है, और कुछ साइंटिस्ट ने कहा नहीं, ये जो है एंजाइम सेक्रेशन का भी कार्य करता है, और कुछ साइंटिस्ट ने कहा ये जो है अमीबोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग काम हैं, तो इन सभी नोट इसको फटाफट नोट करें, और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए इन पॉइंट्स के बेस पर आप अच्छी खासी एक्सप्लेन कर सकते हो, इसलिए इस पॉइंट को जरूर नोट करें। तो आप हेडिंग डालेंगे पोलियन वेसाइकल्स, तो देखो पोलियन वेसाइकल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये जो आपको गुब्बारे की तरह एक नाशपाती के समान एक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे बीच बीच में, इनकी संख्या 1 से 4 तक हो सकती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पोलियन वेसाइकल्स। इनका कार्य क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर को रिजर्व करना, मतलब वाटर का स्टोरेज करना, ताकि ये जब ये धरती पर आए या फिर जमीन या लैंड पर या टेरेस्ट्रियल आए तब उस समय वहां पर पानी प्रेजेंट नहीं होता, तो उस समय ये पानी किस तरीके से प्रेशर को जनरेट करेगा, कैसे ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम काम करेगा, कहां से पानी लाएगा, तो ये जो स्टोरेज का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस पोलियन वेसाइकल्स के बहुत से कार्य हैं, ये भी 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो देखो ये रिंग कैनाल से अटैचड होती है, एक पियर शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि रिंग कैनाल से अटैचड, एक इनकी संख्या 1 से 4 तक हो सकती है। ठीक है, और ये रिंग कैनाल से अटैच होती है, और पियर शेप स्ट्रक्चर मतलब नाशपाती के समान एक स्ट्रक्चर होती है जो कि थिन वॉलिड लेयर की बनी होती है। ठीक है, मतलब कि ज्यादा मजबूत लेयर नहीं होता, पतला लेयर होता है, और कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होती है, और इनकी संख्या 1 से 4 तक हो सकती है। इनके फंक्शन के बारे में, ये वाटर वास्कुलर सिस्टम में एक तरह से वाटर प्रेशर को कंट्रोल करती है। देखो क्या होता है एक्चुअली, सबसे पहले जब जैसे ही इस स्टोन कैनाल से होते हुए पानी रिंग कैनाल में एंटर करता है, तो तुरंत एक बहुत तेजी से एक प्रेशर बनता है, उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पानी ज्यादा से ज्यादा जो पानी है वो इसमें एंटर कर जाता है। ठीक है,
वैसे तो यहाँ पर पांचों रेडियल कैनाल में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट अब अगर पानी की करंट जो वाटर का करंट है वो बहुत तेज हो तो वहां पर प्रेशर आ जाता है। उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये पोलियन वेसिकल्स जो होता है पानी को एक्स्ट्रा स्टोरेज को अपने अंदर रख लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाटर प्रेशर को कंट्रोल करता है और एक्स्ट्रा वाटर का स्टोरेज करता है। इसका ये दो फंक्शन मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से नोट करके लिख लो कि अगर आपके सिलेबस में एस्टेरियस को पढ़ाया जा रहा है तो ये पोलियन वेसिकल्स उसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर ले। रेडियल कैनाल की हम बात करते हैं तो देखो रेडियल कैनाल क्या होता है, ये जो बीच में सारी रेडियल कैनाल गई है तो इनको हम बोलते हैं रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल जो होती है वो ब्रांचेड होती है। ठीक है, फाइव ब्रांच निकल कर जाती है, जैसा कि रिंग कैनाल से आपको दिखाई दे रहा होगा फाइव ब्रांच निकल कर जा रही है, इसी को बोला जाता है रेडियल कैनाल। ठीक है, फाइव ब्रांच निकल कर जा रही है, इसको बोलते हैं रेडियल कैनाल। और ये जो रेडियल कैनाल के बारे में बहुत सी आप बातें लिख सकते हो कि इससे जो है रेडियल, इस रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल जुड़ी होती है, लेटरल कैनाल से ट्यूबफिट जुड़ा होता है, रेडियल कैनाल रिंग कैनाल से जुड़ी होती है। ठीक है, अटैचमेंट के बेस पर भी आप डिफाइन कर सकते हो और भी इसके कार्य भी लिख सकते हो कि इसमें तेजी से पानी इसमें एंटर करता है, ये काम करता है ट्यूबफिट में पानी को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, इस तरीके से इनकी फंक्शन भी आप अपने आप नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद लेटरल कैनाल्स की हम बात करते हैं। देखो लेटरल कैनाल्स कहाँ है, ये जो आपको दिखाई दे रही है जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो बीच में इस ट्यूबफिट और रेडियल कैनाल से जोड़ने वाली जो छोटी छोटी नलिका है इसको हम बोलते हैं लेटरल कैनाल, और ये दोनों तरफ होती है। ठीक है, ये रेडियल कैनाल के दोनों तरफ, इस साइड में भी इस साइड में भी, तो दो नलिका है इनको ये जो, इस हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रेडियल कैनाल में दो लेटरल कैनाल जो है इस तरीके से जोड़े में पाई जाती है। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोडियल कैनाल, इसको हम पोडियल कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, इस पोडियल कैनाल में एक कपाट होता है। ठीक है, एक कपाट होता है जो कि पानी को दोबारा वापस रेडियल कैनाल में जाने से रोकता है। मतलब कि जैसे पानी एंटर किया इस लेटरल कैनाल में, तो यहां पर एक कपाट होता है जो कि पानी को लेटरल कैनाल से वापस रेडियल कैनाल में जाने से रोकता है। ठीक है, तो ये इसका कार्य भी लिख सकते हैं। ये था लेटरल कैनाल के बारे में, इसको नोट करें फटाफट। सो गाइस, फाइनली बचती है एक और स्ट्रक्चर जो कि लास्ट स्ट्रक्चर है ट्यूबफिट, जिसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही बार कई बार रिपीट हुआ है। ट्यूबफिट अगर आपसे पूछा जाए तो देखो आप बता सकते हो ये जो ट्यूबफिट होता है, ये सबसे पहले अटैचमेंट के बेस पर आपको डिफाइन कर सकते हो कि जो है रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल से जुड़ा होता है। ठीक है, रेडियल कैनाल और फिर लेटरल कैनाल से जुड़ा होता है ट्यूबफिट, और ट्यूबफिट को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एम्ब्यूला, एंड नंबर सेकंड बीच वाला जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पोडियम। ठीक है, नंबर थर्ड जो नीचे वाला सबसे पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सकर्स। ठीक है, एक तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, तो ये था ट्यूबफिट के बारे में। ट्यूबफिट के और भी स्ट्रक्चर्स को आप देखना चाहें तो ये इसकी जो है, जब इसको बहुत ही माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तब हमको यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्यूबफिट से मैंने आपको बताया पानी जो है बाहर निकल जाता है, और इसके फंक्शन के बारे में, अब यहाँ पर हम किसके फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम के फंक्शन के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेट्स, तो आप बता सकते हैं कि ये जो है हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन की तरह कार्य करता है, जिसकी वजह से इसमें लोकोमोशन होता है, बॉडी अटैचमेंट में हेल्प करता है, किसी आधार से चिपकाने में, फूड को कैच करने में, मतलब भोजन को पकड़ने में, भाग कर भोजन को पकड़ने में, और एक्सक्रेशन में, ठीक है, उत्सर्जन जिसको हम बोलते हैं, रेस्पिरेशन में, श्वसन में, रिप्रोडक्शन में, ये सब प्रोसेस में जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस इसके अंदर होती है वो सब इसी की वजह से होती है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम की वजह से। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपने अच्छे से नोट्स बना लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।